हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं मैं। इस वीडियो में आपको सबसे पहली बात तो पूरा देखना है, क्योंकि ये 4 से 5 नंबर की आपकी मदद करेगा आपके बाल मनोविज्ञान के पेपर में, जो आप देने जा रहे हैं 27 को। और साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कि आप कैसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, एग्ज़ाम मास्टर स्पेशल नोट्स। इसके बाद साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो रुडोल्फ गालकॉय के द्वारा। इसमें शिक्षण विधियों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और प्रतिपादक पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, 5 नंबर गारंटी है, 4 नंबर इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। तो एक एक पॉइंट्स ध्यान से याद करिए। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं रुडोल्फ गालकॉय 1590 में। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी रुडोल्फ गालकॉय ने। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है साइक और लॉगोस यूनानी भाषा के दो शब्दों से। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब 1879 में विलियम वुंड द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिनेवा साइमन द्वारा किया गया। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मौर्या मॉन्टेसरी, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंजूरा। मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत और संप्रदाय और उनके जनक के बारे में जान लीजिए। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में आते हैं कोहलर, कोफ्का और वर्दिमर व लेविन। संरचनावाद के जनक हैं विलियम वुंट। व्यवहारवाद के जनक हैं जे.बी. वाटसन। सन भी इनकी याद रखिएगा, 1879। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस के सिगमंड फ्रायड, विकासात्मक संज्ञानात्मक के जीन पियाजे, संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा के जनक हैं जेरोम ब्रूनर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सब के लिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 के जनक हैं अल्बर्ट बंजूरा। संबंधवाद के जनक हैं थॉर्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के जनक हैं पावलाव 1904। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक हैं स्किनर। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 है T.S. हल का। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है कोहलर का। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियों के बारे में आइए जान लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कैट, इसके बाद स्याही धब्बा परीक्षण यानी IBT, वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी SCT, इसके बाद व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ जान लीजिए, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, इसके बाद समाजमिति, शारीरिक परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस, मानदंड मूल्यांकन विधि और स्वतंत्र साहचर्य यानी FWAT परीक्षण। अब इसके बाद आते हैं बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक में आते हैं, ठीक है। एक खंड का निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 बिने टर्मन व स्टर्न ने दिया था। द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि के 3 खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और बहुखंड का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। इसके बाद समूह कारक का सिद्धांत दिया था थर्स्टन व कैली ने। बुद्धि लब्धि यानी IQ ज्ञात करने का सूत्र है बुद्धि लब्धि, IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु अब 100, ठीक है। मानसिक आयु उसके नीचे वास्तविक आयु और उसको 100 से गुणा करना है। बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न 1912 में। बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1916 में। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट कोटेंट का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति हैं टर्मन। मानसिक आयु यानी मेंटल एज का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं बिने 1908 में। व्यक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण परीक्षाएं क्या हैं देख लीजिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने थियोडोर साइमन 1905, 1908, 1911। फिर दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने स्केल, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने के द्वारा। व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परीक्षाएं 22वां, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण SD पोर्टियस के द्वारा। वैश्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, ये
क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, ये वेस्लर के द्वारा, और सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण परीक्षाओं में आता है आपका। आर्मी अल्फा परीक्षण ऑर्थर एस ऑटिस ने इसका प्रतिपादन किया था। अगर ये पूछे तो ऐसे आपको जवाब देना है, सेना सामान्य वर्गीकरण है 1945 AGCT। फिर सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में आता है आपका आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर एस ऑटिस का। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि का मापन होता है इसमें। और अंतिम है हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण 1922 CH राइस का। तो ये 25 फैक्ट इस वीडियो में मैंने आपको दिए जो आपको निश्चित रूप से याद करने हैं। इसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम मास्टर स्पेशल नोट्स चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9452-26-74-92। जी हाँ, हमने आपकी लिखित परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के नोट्स लगभग बना लिए हैं, रीजनिंग के नहीं मिल पाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट नोट्स बने हैं, जिसकी फ़ीस है 500 रुपये। आप इसे जमा कैसे करना है, व्हाट्सएप पर अपना नाम और UPTET मार्क्स लिख करके भेजें। ये नंबर आप अपने फ़ोन पे सेव करें और व्हाट्सएप पे जाएं, इस नंबर पर क्लिक करें एग्ज़ाम मास्टर नाम से, एग्ज़ाम मास्टर में लिख करके ये मैसेज करें अपना नाम, UPTET का मार्क्स और अपना जिला। फ़ीस आपको कैसे सबमिट करनी है ये आपको व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। नोट्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे, PDF फॉर्म में मिलेंगे। एक फ़ीस पर केवल एक व्यक्ति ऐड होगा हमारा स्पेशल ग्रुप में, नोट्स वहीं मिलेंगे, लाइव क्लास की PDF भी वहीं मिलेगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।